खबर रीवा से है, जहां कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सुबह 11:30 बजे जिले के कलेक्टर एवं एसपी के द्वारा अचानक बिना बताए एक मॉक ड्रिल कोविड की तैयारियों की समीक्षा के संबंध में की गई, जिसमें संजय गांधी अस्पताल में मरीज को आगे भेजकर स्वयं कलेक्टर एवं एसपी पहुंचे तथा उन्होंने मरीज के स्थानांतरण से लेकर मरीज को ऊपर शिफ्ट किए जाने तक और डॉक्टरों की समस्त तैयारियों की, ऑक्सीजन की सप्लाई के संबंध में समीक्षा की, दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में, उपकरणों के संबंध में समीक्षा की एवं काफी हद तक संतुष्ट दिखे। उन्होंने इस संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश भी प्रबंधन को दिए हैं। आइए दिखाते हैं मॉक ड्रिल की झलकियां और सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने तैयारियों को लेकर क्या कहा है। आज देश भर में सभी जगह कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हम लोगों ने भी जिला अस्पताल का और संजय गांधी हॉस्पिटल में जो कोरोना की व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा की है। सभी चीज़ें सुचारू रूप से कर दिया गया है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, जो ऑक्सीजन एडेड बेड्स हैं उनकी पूरी अवेलेबिलिटी है और जिस तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए वो सारी बन रही है। लोगों से अपील ये है कि आप कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाएँ तो सावधानी रखें और कोई भी अगर इस तरह के सिम्टम वाले लोग दिखते हैं तो उनका इलाज ज़रूर कराएँ। अभी किसी भी तरह के कोई घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी रीवा ज़िले में कोई भी कोरोना का मरीज़ नहीं है, लेकिन एहतियातन ये व्यवस्थाएं देखी जा रही है ताकि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती हो तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहें। मॉक ड्रिल भी की गई थी? मॉक ड्रिल ही की गई है सभी जगह पर। हवा चालू कर दी वेंटी पे करो वेंटी पे। कौन से वाले में सर? कौन से वाले में? किस वाले पे चालू?